कोरोना की अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उसे कोरोना छू भी नहीं पाता है। इस खबर के बाद कई कंपनियां बाजार में इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए तरह तरह की दवाइयां लेकर बाजार में उतर गईं। आयुर्वेदिक काढ़े को भी चिकित्सकों ने पीने की सलाह दी, यहाँ तक कि कई राज्यों की सरकारों ने भी काढ़े के सेवन पर बल दिया। काढ़े का इतना प्रचार हुआ कि करीबन सभी सरकारी विभागों में भी चाय की बजाय काढ़ा ही परोसा जाने लगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को निशुल्क काढ़ा दिया गया ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और कोरोना संक्रमण ना फैले। इस चक्कर में प्रदेशवासियों की तरह सोलन वासियों ने भी काढ़ा पिया, लेकिन ये काढ़ा कितना पीना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। अब आलम यह है कि अधिक सेवन की वजह से काढ़े के काफी दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। खुद ही हकीम बने लोगों ने एक बीमारी से बचने के लिए दूसरी बीमारियों को न्योता दे दिया है। सोलन के चिकित्सकों ने काफी कम मात्रा में लोगों को काढ़ा पीने की सलाह दी है। सोलन के चिकित्सक आर के शर्मा ने बताया कि लोगों को ये पता चला कि काढ़े से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोरोना से बचाव कर सकता है, तो लोगों ने दिन रात काढ़ा पीना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर अब दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे केवल दिन में 200 ग्राम ही काढ़ा पिए और दिन में एक बार ही इसका सेवन करें, अन्यथा काढ़ा उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का अधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने सोलन की जनता को सलाह दी है कि वे चिकित्सक की सलाह से ही काढ़ा ग्रहण करें और अपने आप हकीम बनकर अपने शरीर को हानि ना पहुंचाएं। अच्छा, जो भी कोई दवाई हो या काढ़ा हो, ये किसी भी चिकित्सक की सुपरविजन के अंडर लेना चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं कि सारा दिन काढ़ा ही पीते रहते हैं, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि एक्सेस में कोई दवाई भी खाओगे आप तो वो भी बुरी है। तो अगर काढ़ा पीना ही है, अगर खुद ही पी रहे हैं तो कम से 200 ml, जो एक गिलास जैसे चाय का होता है, वो पी लिया सुबह, एक शाम को पी लिया, पर इससे ज़्यादा मत पिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि पेट, जब आप बहुत गर्म गर्म काढ़ा पिएंगे तो पेट में गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो इससे जलन होती है पेट में, तो आदमी सोचता है कि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको खाना नहीं पचेगा। तो कोशिश करें कि काढ़ा दो टाइम से ज़्यादा ना पिए जी। ऐसा है कि सर्दियों में तो काढ़ा पी सकते हैं गर्मा गर्म, पर आप काढ़ा डेली ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, हर्बल मेडिसिन है, पर इसको एक्सेस में मत पिए। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि एक्सेस में पी रहे हैं कोरोना के डर से। देखो, ये जैसे 200 ml, 200 ml दिन में दो बार पी लें, बहुत है। देखो, काढ़ा ऐसे तो हर्बल मेडिसिन आती है बाजार में, मिलती है अच्छी अच्छी कंपनियों की है, तो आप जैसे अदरक का है, उसमें इलायची है डाली हुई, और आपके ये है साथ में दालचीनी है, ठीक है जी, जो, और तुलसी है, इसका काढ़ा घर में भी बनाया जाता है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है।